हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुब्रजीत। आप लोगों को मेरा चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। वो है आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या है, क्यों ये आता है हमारी स्टडीज में, ये सब हम पता करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर के बारे में। इस पिक्चर को देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज है, एक है फील्ड और एक है आर्मेचर। ये फील्ड मतलब फील्ड वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन देने के बाद एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये है डीसी सप्लाई मतलब डीसी एक्साइटेशन, जिसको हम मेन फ्लक्स बोलता है। ये मेन फ्लक्स जाकर लिंक होता है आर्मेचर की कंडक्टर के साथ। ये है आर्मेचर, ये है आर्मेचर कंडक्टर। इसी फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर के साथ लिंक होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कहने मुताबिक जब फ्लक्स लिंक्स विथ कंडक्टर एंड इट चेंजेस, देन ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी रूल से जब फील्ड फ्लक्स जाकर लिंक होता है आर्मेचर की कंडक्टर के साथ, तब आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये आर्मेचर कंस्टेंट नहीं, ये रोटेटिंग में है प्राइम मूवर के कारण। तो अब आर्मेचर की कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। एक जनरल कंसेप्ट हम जानते हैं कि जहां ईएमएफ है वहां करंट है। तो आर्मेचर में ईएमएफ होने के कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट पूरी आर्मेचर सर्किट से सर्कुलेट करेगा, यह है आर्मेचर सर्किट, ये पूरी आर्मेचर सर्किट से सर्कुलेट करेगा। अब आर्मेचर हो जाएगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आर्मेचर, ये हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ए मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट होगा तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसमें, इसे आर्मेचर में। अब इस आर्मेचर फ्लक्स वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमारी स्टडीज में दो फ्लक्स के बारे में और दो फ्लक्स आ जाएगा, एक है फील्ड फ्लक्स और एक है आर्मेचर फ्लक्स। ये दो फ्लक्स ऑपोजिट है। ये जब अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को, तब एक इंटरैक्शन होगा दोनों फ्लक्स की बीच में, ये इंटरैक्शन है आर्मेचर रिएक्शन।